इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को आदेश दिया है कि वो रफा के भीतर जंग को तुरंत रोक दे, लेकिन इसके बावजूद इजरायली फौज रफा में रुकने के बजाय आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन IDF के लिए रफा को फतह करना एक ऐसी चुनौती बन चुका है जिससे पार पाना फिलहाल इसराइल के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि रफा की हर गली और मोहल्ले में हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर घात लगाकर बैठे हुए हैं, और जितने हमले IDF पर गाजा के अन्य शहरों में नहीं हुए थे उससे कई गुना ज्यादा हमले रफा में हो रहे हैं, जिसकी वजह से IDF को जान और माल दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल 26 मई 2024 को हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए ये दावा किया है कि रफा के जबालिया कैंप में एक हमले के दौरान हमास ने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। अबू उबैदा का कहना है कि पहले तो हमास के लड़ाकों ने IDF के जवानों को एक सुरंग में धोखे से बुलाया और फिर उस सुरंग के गेट पर बारूद रख कर उसे उड़ा दिया, जिसमें कई जवानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमास का कहना है कि कई इजरायली जवान वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश में थे जिन्हें मुठभेड़ के दौरान बंदी बनाया गया है और उनके सैन्य हथियारों को भी जब्त किया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के दावे को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ये स्पष्ट करती है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें जवानों का अपहरण हुआ हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजरायली सेना झूठ बोल रही है या फिर हमास। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास में IDF पर कई बड़े बड़े हमले हुए हैं और हमास के इस दावे के बाद इजरायल ने एक बात तो कबूल की है, वो ये कि रफा के भीतर उसके दो और सैनिक मारे गए हैं जिनका नाम स्टाफ सार्जेंट बेजालेल विकोवाच और स्टाफ सार्जेंट सहर सुडई है। IDF का कहना है कि सार्जेंट बेजालेल बेथनून में 22 मई को घायल हुए थे, उनके साथ अन्य तीन इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी, इनमें से दो जवान हमास के स्नाइपर अटैक और एक जवान बिल्डिंग में रखे विस्फोटक की चपेट में आकर मरा था। वही सार्जेंट सहर सुदई की उम्र 20 साल थी, वो गिवाटी ब्रिगेड की रोतेम बटालियन का हिस्सा थे, उनकी मौत भी दक्षिणी गाजा में 26 मई 2024 को हुई थी। और इसी दिन लोतार इलिट यूनिट का एक अन्य जवान दक्षिणी गाजा में गंभीर रूप से घायल हुआ था, और इन हमलों के बीच गाजा के भीतर इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा 288 पर पहुंच गया है। इसके अलावा गाजा के भीतर एक सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर भी मारा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि IDF भी रफा के भीतर हमास पर बड़ी ही आक्रामकता के साथ हमले कर रही है। IDF का कहना है कि 26 मई को हमास ने तेल अवीव पर जिन लॉन्चर्स से 8 मिसाइलें दागी थी उन लॉन्चर्स को IDF के जेट्स ने तबाह कर दिया है। ये लॉन्चर्स रफा शहर के भीतर दो मस्जिदों के बीच बनाए गए थे। इसको लेकर IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है कि ये जगह इजरायली सैनिकों से महज 800 मीटर की दूरी पर थी जहां पर IDF अपना अभियान चला रही थी। हगारी का कहना है कि हमास रफा के भीतर आम नागरिकों के बीच अपने सैन्य अड्डे बना रहा है जिससे वो IDF की नजरों से बच जाए, और जैसे ही इजरायली फौज उनके ठिकानों के करीब पहुंचती है वैसे ही हमास के लड़ाके वहीं गोला बारूद IDF के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे ये साफ होता है कि हमास साफ तौर पर गाजा में आम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है।